Hello everyone, welcome to Shroom's IAS. I am Shivangi Sharma and I am at the 7th chapter of 8th class history. So the name of the chapter is Women, Caste and Reform. So in this chapter, mein basically, we are going to discuss about women and caste. What are the Britishers ke under, women's or jo caste system tha, unke under kya kya changes and what reforms are going to be. Basically, we are going to study this. So come on, let's begin with the chapter. सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन कि आपने कभी सोचा है कि जब बच्चे हैं वो 200 साल पहले कैसे रहा करते होंगे, क्या चीज़ें हुआ करती होंगी. ठीक है, जैसे आज के टाइम पे मिडिल क्लास की भी जो लड़कियां हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की भी जो लड़कियां हैं वो स्कूल जाती हैं और बॉयज़ के साथ पढ़ाई करती हैं, राइट. और काफ़ी उसके बाद कॉलेजेस जाती हैं, यूनिवर्सिटीज आती है, उसके बाद जॉब्स कर लेती हैं, जॉब्स में भी उनको पोजिशन मिल जाती है. और उसके बाद जैसे वो एडल्ट हो जाती हैं उसके बाद वो शादी कर लेती हैं लीगली, राइट. दैट करेक्ट. तो एडल्ट इन द सेंस कि इंडिया में अगर आपको शादी करनी है तो आपके पास लिमिटेड एज है कि आपको इस लिमिटेड एज के बाद ही आप शादी कर सकते हो, विच इज़ बॉयज़ के लिए जो 21 है, 21 ईयर्स, और गर्ल्स के लिए इट इज़ 18 ऑफ ईयर्स. ठीक है, सो लड़कियाँ किसी भी कास्ट और कम्युनिटी में शादी कर सकती हैं आज के टाइम पे. और जो विधवा हैं, जो विडोज़ हैं, वो भी रीमैरी कर सकती हैं, राइट. सो हर एक वुमेन के पास राइट है कि वो वोट दे और इलेक्शन के लिए भी खड़े हो. ठीक है, बट ये जो राइट्स हैं ये सभी के पास है, बट कुछ लोग इनको अवेल नहीं कर पाते, इनके फ़ायदे नहीं उठा पाते बिकॉज ऑफ लेस मनी और लैक ऑफ एजुकेशन. ठीक है, सो जैसे बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग जो होते हैं, पुअर पीपल, वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते, ना खुद उन्होंने एजुकेशन ली होती है. और अभी भी कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे वुमेन अपना हस्बैंड खुद नहीं चूज़ करती हैं, है ना. कभी भी मतलब अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे फैमिली ही चूज़ करती है और लड़कियों की मर्ज़ी के बिना उनकी शादी कर दी जाती है. ठीक है, अभी भी ऐसा है कई जगह पर. सो 200 साल पहले काफ़ी चिल्ड्रन जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हुआ करते थे उसी टाइम पर उनकी शादी कर दी जाती थी अर्ली एज में. हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों ही मतलब एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे उस टाइम पे. ठीक है, और कुछ जगह तो ऐसी थी जहाँ पे जैसे उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो विडो थी, उसको भी साथ में उनकी जो चिता थी, उनका जो फ्यूनरल था, उसी में साथ में जला दिए जाते थे. सो यहाँ पे एक फ़ोटो है हमारे पास, यहाँ पे एक फ़ोटो है आप देखो कि यहाँ पे देर इज़ अ वुमेन. सो इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और इनके हस्बैंड को मतलब बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, और साथ में ही इसको भी इसमें मतलब जिंदा जलाने के लिए छोड़ दिया जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग जो कि नहीं होना चाहिए एंड नॉट करेक्ट. ठीक है, सो हाँ, और इस प्रोसेस को जो है सती बोला जाता है. और लोग ऐसा मानते थे कि जो भी वुमेन ऐसे सती बन के जल जाती है वो बहुत ही वर्जियस वुमन होती है, मतलब बहुत ही प्योर और बहुत ही पतिव्रता स्त्री होती है, और वो मतलब उनको जल जाना चाहिए सब में. ठीक है, तो वुमेंस को उस टाइम पे प्रॉपर्टी पे भी राइट नहीं था, वुमेन की कोई प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी. ठीक है, और वुमेन को वर्चुअली कोई एक्सेस नहीं था उस टाइम पर एजुकेशन का. काफ़ी जगहों पे जो कंट्री थी वो ये बिलीव कर रही थी कि वुमेंस को अगर हम पढ़ाएंगे, अगर उनको एजुकेट करेंगे तो उनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और वो विधवा हो जाएगी. मतलब अलग अलग ही सुपरस्टिशन बना के रखे कि आप एजुकेशन दो और उनकी पति मर जाएगा, मतलब कुछ भी. ठीक है, सो सोसाइटी में जो डिफरेंस है, देखो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे बेसिस पे डिफरेंस किया गया है, उसमें से जो एक था डैट वॉज मैन एंड वुमेन, जो आपने अभी डिस्कस करा, और एक तरफ था कास्ट सिस्टम के अंदर उनको चार डिफरेंट कास्ट में लोगों को डिवाइड कर दिया, विच आर ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास. ठीक है, सो जो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे उनको अपर कास्ट कंसीडर कर दिया गया, और जो मनी लैंडर्स थे और जो भी ट्रेडर्स थे उनको वैश्या बोल दिया गया. ठीक है, उसके बाद जो भी पीजेंट्स होते थे, जो भी आर्टिसंस होते थे, साथ में बुनाई करने वाले पॉटर्स, इन सभी को शूद्रास बोल दिया गया कि तुम लोग शूद्र हो. ठीक है, और इनको बोला गया कि तुम लोग सबसे छोटे मतलब सिटी, तुम लोग सबसे छोटे लोग हो बिकॉज तुम लोग सिटीज़ क्लीन करते हो और तुम ऐसी हरकतें करते हो जिसकी वजह से हम अपर कास्ट के लोग पल्यूट हो सकते हैं. ठीक है, इसलिए उनको लो कास्ट का स्टेटस दे दिया गया. ठीक है, और ऐसा भी बोला गया कि अगर शूद्रास या वैश्यास मतलब लो कास्ट के लोग अगर अपर कास्ट के लोगों को टच करेंगे या उनके साथ बात भी करेंगे तो उनका जो कास्ट स्टेटस है वो
वो छूट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा ऐसे ऐसे उन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा अपर कोई कास्ट सिस्टम बना दिया था। ठीक है, जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने बॉटम के लोगों को अनटचेबल बोल दिया, अछूत बोल दिया। ठीक है, और ये लोग जो थे ना ही ये टेम्पल्स में जा सकते थे, ना ही जिस वेल से बड़ी कास्ट के लोग पानी पीते थे उस वेल से ये लोग पानी नहीं पी सकते थे, और ना ही उन पॉन्ड्स में नहा सकते थे जिन पॉन्ड में अपर कास्ट के लोग नहाया करते थे। ठीक है, इनको ना इन्फीरियर बोल दिया गया कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर है। ठीक है, 19th और 20th सेंचुरी में काफ़ी ऐसे नोज और ये जो परसेप्शन थे ये धीरे धीरे कम होने लगे। सो देखते हैं ये कैसे कम हुआ। वॉकिंग टूवर्ड द चेंज, टूवर्ड के मतलब चेंज की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सो अर्ली 19th सेंचुरी में सोशल ये जो पुराने सोशल कस्टम्स थे और प्रैक्टिसेस थे इनके ऊपर काफ़ी डिबेट होने लगी, और ऐसा बोला गया कि हमें एक मतलब इन सबको एक नया कैरेक्टर देना चाहिए, जो चीज़ें होती आ रही हैं ये सही नहीं है, है ना। सो उस टाइम पे पहली बार जो है लोगों ने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, जैसे अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो देख रहे हो, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, दिस इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। उस टाइम पे भी बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स और पैम्पलेट्स वगैरह प्रिंट होने लग गए थे। ठीक है, जो कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे यानी कि जो हाथों से लिखे जाने वाली जो स्क्रिप्ट्स होते थे उनसे कई गुना सस्ते होते थे, तो जो मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी उनको खरीद सकते थे। ठीक है, और लोग अब अपने जो अपनी मतलब अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को अपनी ऑन लैंग्वेजेस में एक्सप्रेस करना उन्होंने शुरू करा, लिखना शुरू किया। ठीक है, फिर वो चाहे जो भी इशू हो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या रिलीजियस, हर चीज़ के बारे में लोगों ने डिबेट करना शुरू कर दी। ठीक है, ये डिबेट्स मेन के थ्रू होती थी, बट कहीं कहीं जो है वुमेंस भी इन डिबेट्स में साथ देती थी। ठीक है, सिटीज़ में, नई सिटीज़ में बेसिकली ये जो डिस्कशन है ये ज़्यादातर जो वाइडर पब्लिक प्लेस है उधर पर जाकर हुआ करता था, कि सारी जो पब्लिक है वो आके सुन सके और जो सोशल चेंज की बात हो रही है उनसे लिंक कर सके। ठीक है, ये जो डिबेट थी ये बेसिकली जो इनिशिएट हुई थी ये काफ़ी इंडियन रिफॉर्मर्स थे और काफ़ी रिफॉर्म ग्रुप्स भी थे, उनमें से एक रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने एक सभा बनाई विच वॉज ब्राह्मो सभा। ठीक है, कलकत्ता में, और लोगों ने राजा राम मोहन रॉय को डिस्क्राइब करा रिफॉर्मर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वही इस सोसाइटी में चेंज लाएंगे और वो चेंज ज़रूरी भी है ना। राजा राम मोहन रॉय यही सोच रहे थे कि मतलब चेंज ज़रूरी है, बिकॉज अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इसके साथ तो हमारी कंट्री जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, सो जो भी अनजस्ट प्रैक्टिसेस थी इन सभी को हटाना चाहिए, ऐसा राजा राम मोहन रॉय बोल रहे थे, विच वॉज करेक्ट। ठीक है, और लोग बोल रहे थे कि अगर चेंज चाहिए तो जो भी पुरानी प्रैक्टिसेस है उन्हें हमें छोड़ना होगा और नए नए वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करना होगा। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो काफ़ी इच्छुक थे कि वेस्टर्न एजुकेशन कंट्री में फैले, ताकि लोगों के भीतर नॉलेज जागे, लोगों को पता चले कि हाँ फ्रीडम और इक्वालिटी होनी चाहिए वुमेन के लिए। ठीक है, उन्होंने लिखा कि कैसे वुमेन्स को इतना बर्डन होता है डोमेस्टिक हाउस का, डोमेस्टिक वर्क का, चाहे वो होम हो, किचन हो, और उनको बाहर नहीं निकालना जाता था और एजुकेट नहीं किया जाता था, मतलब उनको ना घर में और किचन तक ही उनको बाउंड्री दे दी गई थी कि इससे बाहर तुम लोग नहीं निकल सकते हो। ठीक है, फिर आता है कि उन्होंने कि अब जो विधवा औरतें थी उनकी ज़िंदगी में कैसा चेंज आया। राजा राम मोहन रॉय ने काफ़ी कैंपेन्स लड़े इस सती प्रैक्टिस के खिलाफ। राजा राम मोहन रॉय काफ़ी अच्छे संस्कृत में उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, उन्हें पर्शियन भी आती थी, उन्हें अलग इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस भी आया करती थी। ठीक है, उस टाइम पर सो उन्होंने लिखा कि कैसे ये जो सती प्रथा है और जो भी औरतों के साथ विडोज़ के साथ हो रहा है, ये ऐसा कुछ भी एंशियंट टेक्स्ट में नहीं लिखा गया, मतलब जो भी हमारे पुराण हैं, हमारे वेद हैं और जो भी वो सारे टेक्स्ट है जो पुराने समय में लिखे गए थे, ऐसा कुछ भी किसी में भी नहीं लिखा गया है कि वुमेन को ऐसा ट्रीट करो और जो विडोज़ हैं उनको ऐसा ट्रीट करो। तो राजा राम मोहन रॉय ने जो पुराने ग्रंथ हैं उनकी हेल्प से ये चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस करा था। ठीक है, सो उसके बाद जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि हाँ ये जो चीज़ें ये इंडिया में हो रही हैं ये सही नहीं है और इन ट्रेडिशनल कस्टम्स को हम लोगों को हटा देना चाहिए। ठीक है, सो लोग जो है राजा राम मोहन रॉय की बातें सुन रहे थे, क्योंकि काफ़ी वो मतलब रेप्यूटेड लर्न्ड मैन थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी थी, और इन्हीं के अंडर 1829 में सती की प्रथा को बैन कर दिया गया। ठीक है, सती एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी वुमेन के
किसी भी वुमेन के हस्बैंड के साथ जब उनकी डेथ हो जाती है तो उस हस्बैंड के चिता के साथ वुमेन को भी साथ साथ में जला दिया जाता था। डैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सती, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी राजा राम मोहन रॉय ने यूज़ करी थी, ये बाद में आने वाले रिफॉर्मर्स ने भी यूज़ करी। जब भी उन्हें लगता था कि ये जो प्रैक्टिस है वो हार्मफुल है, वो मतलब पुराने एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा लेते थे कि देखो कहीं भी पुरानी जगहों पे पुराने ग्रंथों में ऐसी चीज़ें नहीं लिखी गई है, तो तुम इसको अपनाने वाले, तुम इसको करने वाले कौन होते हो, है ना, तो जो हम कर रहे हैं वो गलत है, ये चीज़ें अब काफ़ी आने वाले फॉर्मर्स ने यूज़ करी थी। यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो पिक्चर है ये हुक स्विंगिंग फेस्टिवल की है। ये काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता था, हुक स्विंगिंग फेस्टिवल। इसमें बेसिकली क्या होता था कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हुक है और दो ऐसे लोग लटक रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली इसमें ये जो हुक है ये सबसे जो मतलब नीचे कास्ट के लोग होते थे उनमें ये लगाया करता था। और कैसे लगाया जाता था ये हुक, उनकी स्किन के थ्रू पियर्सिंग करके मतलब छेद करके जो है उसको से फंसाया जाता था और उनको लटकाया जाता था उस स्किन के थ्रू। तो सोचो कितना हार्मफुल था ये और ये कितनी गलत बात थी कि आपके स्किन में कोई ऐसे एक हुक ऐसे घुसा रहा है और उसके बाद उसी स्किन के सहारे आपको लटका दिया जा रहा है। तो सोचो तो सही, वो खाल भी निकल के बाहर आ जाएगी, है ना। इसमें बड़े जो अपर कास्ट के लोग थे वो क्या किया करते थे कि ऐसे लोगों को लटका के उनको बोलते थे ठीक है अब तुम तड़पते रहो यहाँ पे ऐसे लटक के। ये बहुत ही बुरा था और ऑफिशियल्स ने इसके खिलाफ भी क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं है। अब यहाँ पे देखो कुछ लोग ऐसे थे जो सती के एडवोकेट थे, यानी सती प्रोसेस के साथ थे सती, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि सती के अपोनेंट थे, वो चाह रहे थे कि सती बिल्कुल ही तरीके से ख़त्म हो जाए, ठीक है। उन लोगों ने ऐसे बोला कि वुमेन का नेचर जो है वो इन्फीरियर होता है, वो मेन के बिना कुछ नहीं कर सकती है और ना ही उनका ट्रस्ट, उन पर कोई ट्रस्ट कर सकता है। लोग ये बोल रहे थे कि जब उनका कोई काम ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते मेंस के बाद, तो उनके पति के मरने के बाद तो वो किसी काम की है ही नहीं, उनका कुछ काम इस दुनिया में है ही नहीं, तो उनको भी साथ में जल जाना चाहिए, ये लोगों का बोलना था, विच वॉज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये कितनी गलत बात इन लोगों ने बोली कि कहाँ लिखा है ऐसे कि वुमेंस कुछ कर नहीं सकती है मर्दों के बाद, ये तो उन लोगों ने ऐसा बना दिया था वुमेंस को। और कुछ लोग थे अपोनेंट ऑफ सती, तो ये लोग ये बोल रहे थे कि ठीक है तुम ये भी जो भी चीज़ बोल रहे हो कि तुम लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, तुमने जब उनको अभी तक पढ़ाया ही नहीं है एक बार भी, तुमने उन्हें एक बार भी मौका दिया ही नहीं, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वो इन्फीरियर है ना, एक बार उन्होंने मौका तो दो, फिर तो तुम ऐसा बोलो कि ठीक है ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम बिना मौका दिए ऐसे किसी को जज तो नहीं कर सकते हो, राइट। सपोज आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जो कि नया आया है और सारे ऐसा बोल रहे कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं पढ़ सकता, इसके उसका कुछ नहीं है, एक बार उसको पढ़ा के उसका टेस्ट तो लो, अगर वो टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहा है फिर तो चलो कुछ बोलने का मतलब बनता है। फिर भी सती प्रोसेस सही नहीं था, अगर ये चीज़ सही भी होती तो, बट ये चीज़ें गलत थी, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे उसको बोल रहे हो फिर तो पहले तो तुम उसका टेस्ट लो, अगर वो कर रहा है तो फिर तुम उसको बिना ऐसे उसका टेस्ट लिए बिना किसी को जज कैसे कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो की जा रही थी यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें काफ़ी एक बहुत फेमस रिफॉर्मर थे जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने भी पुराने टेक्स्ट का यूज़ करा और सजेस्ट करा कि जो विडोज़ है, जो विधवा हैं, उनको फिर से शादी करनी चाहिए। और उनका जो सजेशन था वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको भी अच्छा लगा और एक लॉ पास कर दिया गया 1856 में, जिसमें परमिट कर दिया गया कि ठीक है जो विधवा है, जो भी विधवा हैं, वो शादी कर सकती हैं फिर से, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे थे कि जो इसके खिलाफ थे कि उनके तो अभी ये चल रहा था कि ठीक है जिसका हस्बैंड मर गया वो फिर से शादी कैसे कर सकती है, ये चीज़ के लिए लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा गलत लग रही थी और उन्होंने विद्यासागर का अपोज करा और उनको बॉयकॉट भी कर दिया गया था उस टाइम पे, ठीक है। और 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ पे जो फेवर है विडो मैरिज का, यानी कि फिर से कि विधवा की फिर से शादी करवाओ, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फैल चुका था और लोगों को समझ आ रहा था कि ठीक है ये जो चीज़ है ये सही है। तेलुगु स्पीकिंग रीजन में यानी कि साउथ के टाइम पे जो मद्रास प्रेसिडेंसी था वहाँ पे वीर सलिंगम पतुलू ने एक एसोसिएशन फॉर्म करा विडो रीमैरिज के लिए, जहाँ पे जो भी यंग इंटेलेक्चुअल थे और बॉम्बे के जो भी रिफॉर्म्स थे वो लोग प्लेज करते थे कि हम इसी चीज़ के लिए मतलब काम करेंगे, इसी सेम टाइम में ये सारी चीज़ें हो गई कि ठीक
ठीक है, अलग अलग जगहों पे भी, साउथ में भी हो गया, तो सारे चाहे बॉम्बे हो या फिर अलग अलग जगह हो, नॉर्थ हो, उधर भी लोगों ने बोला कि ठीक है हम इसके लिए काम करेंगे। एक ओथ उन्होंने ले ली। नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक एसोसिएशन खोला जिसका नाम आर्य समाज उन्होंने रखा, जो भी विडो मरी मैरिज को सपोर्ट करता था। ठीक है, मतलब वो आर्य समाज में भी यही चीज़ों को वो फोकस करते थे कि जो विडोज है, जो विधवा है, वो फिर से नई शादी कर ले। ठीक है, इतना सब कुछ किया गया, फिर भी बहुत ही कम ऐसे नंबर्स थे जिसमें विडोज की फिर से शादी कर दी जा रही थी। बट जिन विडो ने ऐसे शादी करी फिर से, उनको भी मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थी, और कंजर्वेटिव ग्रुप इस न्यू लॉ को अपोज कर ही रहा था अभी तक। ठीक है, अब देखो लड़कियों ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया, काफ़ी रिफॉर्मर्स को लगा कि इतना सब कुछ कर रहे हैं बट लड़कियों को स्कूल भी तो जाना चाहिए ना, उनका एजुकेशन गेन करने का भी तो पूरा हक है। अगर वुमेंस की कंडीशन को सुधारना है तो उसके लिए हमें लड़कियों को पढ़ाना तो पड़ेगा। तो विद्यासागर से कलकत्ता में उन्होंने काफ़ी रिफॉर्मर्स के साथ मिलकर बॉम्बे में लड़कियों के लिए एक स्कूल सेटअप करा, और ये फर्स्ट स्कूल था जो कि मिड 19th सेंचुरी में खोला गया था। ठीक है, काफ़ी लोगों को डर लग रहा था, उनको ये लग रहा था कि अगर लड़कियां घर से बाहर मतलब स्कूल जाने के लिए उनको घर से काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, और फिर घर का जो भी डोमेस्टिक वर्क है, जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ है, वो कौन करेगा, उनका भी यही टेंशन है कि घर का काम कौन करेगा। ठीक है, और लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर लड़कियों को स्कूल जाना है तो उनको पब्लिक प्लेसेस से होके जाना पड़ेगा, जैसे मार्केट होगा, रास्ते में अलग अलग चीज़ें होंगी तो उनके थ्रू जाना पड़ेगा। और उन्होंने ऐसे बोला कि अगर लोगों के साथ वो ज़्यादा मिलेगी तो उनके ऊपर काफ़ी करप्टिंग इन्फ्लुएंस आएगा, मतलब उनको पब्लिक प्लेसेस से नहीं जाना है। सो और लोग ऐसे बोलते कि इसीलिए जो है औरतों को दूर रखना चाहिए वुमेन इस पब्लिक प्लेसेस से। ठीक है, काफ़ी जो वुमेंस थी उन वो मतलब घर पर ही पड़ी, अपने फादर के थ्रू या अपने हस्बैंड के थ्रू, कुछ कुछ बार जो वुमेंस है वो खुद ही पड़ गए। एक एक और एक वुमेन है जिनका नाम है राश सुंदरी देवी, उन्होंने भी खुद ही पढ़ा, और वो कैंडल्स की लाइट में पढ़ा करती थी और लिखने का कोशिश किया करती थी। ठीक है, कंट्री का जो लेटर पार्ट था उसमें स्कूल के गर्ल्स के लिए स्कूल खोले गए आर्य समाज के थ्रू पंजाब में, और ज्योतिराय फूले ने महाराष्ट्र में भी स्कूल खोला। ठीक है, जो अरिस्टोक्रैट मुस्लिम थे उन्होंने नॉर्थ इंडिया में भी स्कूल खोला, जो कि चाह रहे थे कि वुमेंस पढ़े, वुमेंस को कुरान भी पढ़नी चाहिए अरबिक में, सो उन्होंने वहाँ पे कुरान पढ़ानी शुरू कर दी थी। ठीक है, सो उन्हें लग रहा था कि वुमेन को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, सो कुछ रिफॉर्मर्स ऐसे थे जैसे मुमताज अली, उन्होंने भी कुरान को पढ़ाने के लिए ऐसा बोला कि वुमेंस को कुरान नहीं पढ़ानी चाहिए। सो मतलब अभी भी कुछ लोग थे जो इसके खिलाफ थे, कुछ इसके सही इसके मतलब सपोर्ट में थे। तो जो पहली उर्दू नावल थी वो लिखी गई लेट 19th सेंचुरी में, जहाँ पे बहुत सारी अलग चीज़ें भी थी जिनका ध्यान रखा गया। वुमेन को इनक्रेज किया गया कि वो पढ़े रिलीजन के बारे में भी, और उनको डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ाया गया अलग अलग उन लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेज उन्हें समझ आए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फ़ोटो है पहले गर्ल्स स्कूल्स की, जहाँ पे देखो लड़कियाँ कैसे पढ़ रही हैं। उम्र में सारी छोटी हैं बट मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड, जैसे कि उनको देखने में पता चल ही रहा होगा। ठीक है, अब औरतों ने औरतों के बारे में लिखना शुरू किया। अर्ली 20th सेंचुरी में एक मुस्लिम वुमेन थी जैसे बेगम ऑफ भोपाल, जिन्होंने भी काफ़ी नोटेबल रोल प्ले किया था लड़कियों की एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोला था अलीगढ़ में लड़कियों के लिए। ठीक है, और एक और ऐसे रिमार्केबल वुमेन है जिनका नाम था बेगम रुकिया सखवत हुसैन। ठीक है, उन्होंने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल खोला पटना और कलकत्ता में। उनको वो बहुत ही फियरलेस थी, उन्हें पता था कि स्कूल खुल रहा है तो फिर भी ये जो मतलब कंजर्वेटिव आइडियाज़ है ये तो इनके खिलाफ जाएंगी, बट उनको कोई भी डर नहीं था इस चीज़ का। ठीक है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो रिलीजियस लीडर है उन्हें फेथ रखना चाहिए और प्लेस और जो वुमेंस है उनको बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, 1880s में जो इंडियन वुमेंस थी उन्होंने भी मतलब उसमें यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग जाना शुरू कर दिया औरतों ने। कुछ ट्रेन डॉक्टर्स भी बनी और कुछ टीचर्स बन गई, कुछ औरतों ने लिखना शुरू किया और कुछ औरतों ने अपने जो उनके जो क्रिटिकल व्यूज़ हैं सोसाइटी में वुमेन की प्लेस देख के उनके बारे में भी लिखना शुरू किया। ताराबाई शिंदे एक वुमन एक एजुकेटेड वुमन थी जो कि घर से ही पढ़ी, अपने घर से पूना में,
उन्होंने एक बुक लिखी स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष तुलना। सो बेसिकली इट वॉज अ कंपेरिजन बिटवीन ह्यूमन एंड वुमेन एंड द मैन, ठीक है, जिसमें वो सारे डिफरेंसेस जो भी थे मैन और वुमेन के बीच में उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। पंडिता रामाबाई जो कि एक ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की, उन्हें ऐसा लगा कि हिंदुज़म जो है वो वुमेन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव है, उनके काफ़ी खिलाफ है। तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि हिंदू वुमेन्स की लाइफ कितनी बकवास है, स्पेशली अपर कास्ट की जो वुमेन्स है उनकी जो लाइफ है उसमें कुछ ज़्यादा ही उनको मतलब सफ़र करना पड़ रहा है। उन्होंने विडोज़ के लिए एक एक एक, एक होम मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन खोला जहाँ पे वो सारी विडोज़ आके रहती थी जिनको उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनके जो उसके हस्बैंड के जो रिलेटिव्स है वो बेकार तरीके से ट्रीट करते थे, उनको मारते वगैरह थे, ठीक है। सो वहाँ पर वुमेन्स को ट्रेन किया जाता था ताकि वो खुद को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके। सो जब ये सब कुछ हुआ तो ऑफकोर्स जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो पुराने ख्यालात के लोग थे, उनको तो लगा कि हाँ ये चीज़ गलत नहीं हो रही है। वो क्या हुआ कि ज़्यादा काफ़ी जो हिंदू नेशनलिस्ट थे उन्होंने उनको लगा कि हिंदू वुमेन्स जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं जिसकी वजह से हिंदू कल्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि मतलब जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज थी उनको भी इन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंग डर लग रहा था कि ठीक है ये जो चीज़ हो रही है कहीं इसकी वजह से ऐसा ना हो जाए। जैसे कि हम देख सकते हैं 19th सेंचुरी का जो एंड था उस टाइम पे वुमेन्स खुद ही काफ़ी एक्टिव हो गई थी अपने लिए रिफॉर्म, अपने रिफॉर्म के लिए काम करने के लिए। सो उन्होंने बुक्स लिखी, मैगजीन एडिट करी, स्कूल्स वगैरह खुलवाए, काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर भी खुलाए और वुमेन एसोसिएशन भी सेटअप करे। अर्ली 20th सेंचुरी में जो इन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप फॉलो किया ताकि फीमेल सफरेज के खिलाफ लॉ पास किया जाए और उनको बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। इनमें से कुछ ने जो नेशनलिस्ट है और जो सोशलिस्ट मूवमेंट है उनको भी ज्वाइन करा 1920s से। 20th सेंचुरी में जो लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी मतलब जो इतनी डिमांड आ रही थी कि ग्रेटर इक्वालिटी हो और वुमेन्स के लिए फ्रीडम हो, इनके लिए भी लड़ाई करना उन्होंने शुरू कर दिया, उनको सपोर्ट करने लगे थे वो लोग, ठीक है। जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने प्रॉमिस करा कि ये जो भी सफरेज है मैन और वुमेन की आफ्टर इंडिपेंडेंस इन सभी को ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। टिल देन वुमेन को बोला कि वो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में ध्यान दे, अभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें मिलकर लड़ाई करना है, फिर आगे बढ़ के हम जो है आपके राइट्स के लिए भी पूरा काम करेंगे। सो यहाँ पे देखो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी लॉ लाया गया बिकॉज इतनी छोटी छोटी एज में जो है वो लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, बच्चों की शादी कर दी जाती थी, विच वॉज नॉट करेक्ट। सो 1929 में एक चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट आया जिसमें पास किया गया कि पहले तो काफ़ी डिबेट्स हुई, काफ़ी स्ट्रगल हुआ, उसके बाद जाके ऐसा बोला गया कि कोई भी मैन जिसकी एज 18 ईयर्स की नहीं है वो शादी नहीं कर सकता और कोई भी वुमेन जिसकी एज अभी तक 16 ईयर्स नहीं हुई है वो भी शादी नहीं कर सकती है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली ये टाइम के साथ साथ की लिमिट्स बढ़ गई और 24 मैन और 18 फॉर वुमेन में पहुँच गई। सो यहाँ पे देखो ये जो ब्राइड है इसकी एज सिर्फ 8 ईयर्स है, कितनी छोटी है ये ब्राइड अभी, ठीक है। सो वुमेन्स के लिए इतनी लड़ाई हो रही थी। अब आते हैं कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्म्स थे जो डिस्कस किए जा रहे थे कास्ट इनइक्वालिटीज़ पे। राजा राम मोहन रॉय ने जो भी ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट करा और बताया कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये कितना ख़राब है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना समाज बनाया गया जिसमें भक्ति ट्रेडिशन को और ज़्यादा अथवर किया गया और बोला कि हर एक कास्ट की जो स्पिरिचुअल है वो इक्वालिटी है, मतलब सभी को स्पिरिचुअल इक्वालिटी मिलनी चाहिए, कोई ऐसे कोई कास्ट को ऊपर कोई कास्ट को नीचे नहीं मोड़ना चाहिए, है ना। इन बॉम्बे जो परमहंस मंडली थी उन्होंने 1840 में वो बनी परमहंस मंडली, जिसमें वो कास्ट के एबोलिशन के लिए काम करते थे, मतलब कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए। सो कुछ जो रिफॉर्मर्स थे और जो मेंबर्स थे इस रिफॉर्म के वो इस एसोसिएशन में वो ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग भी थे, बट उनको ऐसा लग रहा था कि ठीक है ये जो चीज़ हो रही है वो सही नहीं हो रही है। सो ये जो परमहंस मंडली थी इसमें अपर कास्ट के लोग और लोअर कास्ट के लोग मिलके साथ में बैठ के खाना खाया करते थे, बातें किया करते थे। तो जो ये टबू था, जो पाप इन लोगों ने बना दिया था कि अगर अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ बैठेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये सारे जो भी इन्होंने बोला था इन सब कुछ को इन्होंने हटा दिया, ठीक है। और भी ऐसे इनजस्टिस थे कास्ट सोशल ऑर्डर पे जिन पे क्वेश्चन उठाए गए,
19वीं सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए, उन्होंने भी स्कूल्स सेटअप करने शुरू कर दिए ट्राइबल ग्रुप्स और लोअर कास्ट के बच्चों के लिए। ठीक है, सेम टाइम पे जो पुअर थे उन्होंने भी घर छोड़ना शुरू कर दिया और वो सिटीज़ पे आ गए, बिकॉज उनके लिए जॉब जो है वो मतलब वहाँ पे तो कम हो रही थी। वैसे भी उनको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था विलेजेस में, उनको ऐसा बोला जा रहा था कि तुम तो शूद्रास हो, तुम बहुत लो कास्ट के हो। सो लोगों ने जो है विलेज छोड़ के सिटीज़ में, छोटी छोटी सिटीज़ में आके शुरू कर दिया, आना शुरू करी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जॉब हुआ करती थी। ठीक है, वहाँ पे गड्ढे खोदने हैं, रोड बनानी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, सिटीज़ बनानी है, सिटीज़ को साफ़ करना है, और इसके लिए कूली वगैरह चाहिए, डिगर्स चाहिए, कैरियर्स चाहिए, फिर ब्रिक लॉयर चाहिए, सेवेज क्लीनर वगैरह चाहिए, स्वीपर्स चाहिए, पलंकिन बेयरर्स चाहिए, रिक्शा पुलर वगैरह चाहिए। सभी को इन लोगों की जॉब्स मिल गई थी। और ये जॉब्स कहाँ से आई? ये जॉब्स आई विलेजेस और छोटी जगहों से, जहाँ पे उनको बहुत ही मतलब लो कास्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ी थी उनको प्रॉब्लम्स। सिटीज़ में नई डिमांड आ रही थी लेबर की, और लोगों ने मतलब असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया जैसी जगहों पे भी जाके अपना काम करना शुरू किया। ठीक है, नई लोकेशन में काम करना ऑफकोर्स बिजी मतलब हार्ड होता है, बट जो पुअर लोग थे और स्पेशली जो लो कास्ट को बिलोंग करते थे, उन्होंने इसको एज अपॉर्चुनिटी देखा, और अपर कास्ट के खिलाफ उन्हें जाना था बाद में, इसीलिए वो चले गए जॉब्स करने, क्योंकि अच्छी बात है ना, वो जो ह्यूमिलेशन उनको सफ़र करनी पड़ रही है उससे तो अच्छा है कि वो बाहर जाके जॉब कर ले। फिर आता है हु कुड प्रोड्यूस द शूज़। तो जो लेदर वर्कर्स थे उनको सबसे मतलब लो कास्ट का बोल दिया गया, बिकॉज वो सारे वो काम करते थे, जैसे भी कोई जानवर मर जाता था उसकी चमड़ा निकाल कर वो लोग जूते बनाते थे। तो अपर कास्ट के लोगों ने बोला कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा गंदा काम करते हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए लोगों ने इसीलिए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करके जो उनको सबसे लो कास्ट का बोल दिया। सो मदिगास ट्राइब है जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनटचेबल कास्ट है प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में। और जॉब्स भी थे, जैसे आर्मी की भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे थे, और जो महार पीपल थे, ठीक है, जो भी जिनको भी अनटचेबल बोला जाता था, उन्होंने अपनी ही एक रेजिमेंट बना दी। और भीमराव अम्बेडकर के जो फादर थे, उन्होंने दलित मूवमेंट स्टार्ट करा, और आर्मी स्कूल में वो लोग पढ़ाते थे। ठीक है, वो पढ़ाते थे। तो यहाँ पे हमारे पास फोटोज़ है, गुजरात की दुलबाज वुमेन जो है वो मार्केट में आम ले जा रही है बेचने के लिए। डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। ग्रेजुअली जो सेकेंड हाफ आया 19वीं सेंचुरी का, तब लोगों ने जो भी नॉन ब्राह्मण कास्ट है उन्होंने कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसके अगेंस्ट लड़ाई करनी शुरू कर दी, और उन्होंने डिमांड किया कि सोशल इक्वलिटी और जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, सतना में वुमेन स्टार्ट हुआ सेंट्रल इंडिया में, और जो गाजी दास थे उन्होंने इसको फॉर्म करा था। ठीक है, जो भी बेसिकली लेदर वर्कर्स की फैमिलीज को ही बिलोंग करते थे, और उन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स लिए था कि वो इस सोशल स्टेटस को इम्प्रूव कर सके, जो भी ये लेदर वर्कर के लोग थे उनके लिए। ईस्टर्न बंगाल में जो हरिदास ठाकुर मतुआ थे, उन्होंने एक सेक्ट बनाया चंडाला कल्टिवेटर्स के लिए। ठीक है, जो हरिदास थे उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये जो भी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, बताओ एक भी टेक्स्ट बताओ जो कि इस कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करता हो, बिकॉज कोई भी नहीं करता था। ठीक है, जो प्रेजेंट डे केरला है वहाँ के गुरु थे एजावा, वहाँ के गुरु जो थे एक गुरु थे, मतलब एजावा कास्ट को वो बिलोंग करते थे। तो श्री नारायण गुरु, उन्होंने प्रोक्लेम करा कि लोगों के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, और उन लोगों का एक ही जो देवता है वो एक ही होना चाहिए, अलग अलग ऐसे भगवानों की वो पूजा कर रहे हैं डैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो अनइक्वालिटी है कास्ट डिफरेंसेस के ऊपर, इसको ऑफकोर्स हटाना पड़ेगा। उनके अकॉर्डिंग जो भी ह्यूमन काइंड थे, उनका मैसेज ये था कि जो भी ह्यूमन काइंड थे, जो भी इंसान थे, उन सभी का एक ही धर्म है और एक ही कास्ट है, वो सारी सेम कास्ट को बिलोंग करते हैं, और वो जो सेम कास्ट है डैट इज़ ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट थी विच इज़ ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यनु, मतलब वो ऐसा बोल रहे थे कि एक ही कास्ट होती है, एक ही रिलीजन होता है, और एक ही भगवान होता है ह्यूमन काइंड का। ठीक है, ये जो भी सेक्ट थे, ये जो भी नॉन ब्राह्मिकन लीडर्स थे, उन्होंने ये ढूंढे थे उनके लिए ये लोग काम किया करते थे। ठीक है, सो ये जो नॉन ब्राह्मणिकल कास्ट के लीडर्स थे, ये जो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको किसी न किसी तरीके से इंस्पायर करते ही रहते थे, उनको और ज़्यादा मतलब उनको उनकी सेल्फ इस्टीम बढ़ाते ही रहते थे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला ये जो सबऑर्डिनेट है, मतलब हम ये जो सुपीरियर है जिन्होंने हम लोगों को सबऑर्डिनेट बनाया, हम इनके खिलाफ
लड़ाई करेंगे। अब आते हैं गुलामगिरी, ठीक है। एक बहुत ही मोस्ट मतलब वोकल है लो कास्ट, ठीक है, लो कास्ट लीडर्स वॉज ज्योतिरा फुले। सो उनकी उनका जो बर्थ है वो 1827 में हुआ। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो स्कूल खोले थे उसमें से ही एक स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी थी। उन्होंने अपने ही आइडियाज़ बनाए थे इनजस्टिस के और कास्ट सोसाइटी के, और उन्होंने बोला कि ये जो भी ब्राह्मण्स है, ये जो खुद को सुपीरियर मानते हैं, जिन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग सुपीरियर है, ये लोग आर्यंस को बिलोंग करते हैं, मतलब ये लोग आर्यंस थे पहले। तो ज्योतिराय फूले ने बोला कि जो आर्यंस थे वो फॉरेनर्स थे और वो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में जाके जब उन्होंने हमारी कंट्री के हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों को हरा दिया और खुद आके राज करने लग गए, तब उन्होंने खुद को जो है वो मतलब खुद को तो उन्होंने आर्यंस बोल दिया और बोला जिनको इन लोगों ने हराया था, जो लोग हारे थे उनको इन्फीरियर यानी कि उनको लो कास्ट बोला गया। सो फूले के अकॉर्डिंग जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं है, जो लैंड है और जो पावर है। रियलिटी में ये सारी जो भी लैंड है ये इंडिजिनियस ग्रुप्स जो भी लो कास्ट के लोग हैं उन्हीं को बिलोंग करती हैं, ठीक है। फूले ने क्लेम किया कि आर्यन रूल के पहले यहाँ मतलब एक गोल्डन एज हुआ करता था इंडिया में, जहाँ पे वॉरियर और पेजेंट्स जो थे वो लैंड को टिल किया करते थे और मराठा कंट्री साइड में जो है वो मतलब रूल हुआ करते, जहाँ पे रूल मराठा साइड था उधर वो जाके मतलब फेयर वेज में जाके उसको बेच दिया करते थे, ठीक है। उन्होंने प्रपोज किया कि जो शूद्रास हैं यानी कि जो लेबरिंग कास्ट है और जो अति शूद्र है यानी कि अनटचेबल्स, उनको मिल के यूनाइट होकर चैलेंज करना चाहिए इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, और ऑफकोर्स वो लोग जीत जाएंगे अगर वो मिल के काम करेंगे। तो 1873 में फूले जो थी उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगारी मतलब स्लेवरी। सो इसके 10 साल पहले जो अमेरिकन सिविल वॉर थी उसको लड़ी गई थी और जिसकी वजह से जो अमेरिका में स्लेवरी ख़त्म हो चुकी थी। सो फूले ने लिखा उनके बुक में कि जो अमेरिकन्स उन्होंने फ्री स्लेव्स के लिए लड़ाई करी थी, ठीक है, और उन्होंने एक लिंक बिठाया था कंडीशंस और लो कास्ट इन इंडिया एंड ब्लैक स्लेव इन अमेरिका। तो उन्होंने सिर्फ इंडिया के जो लो कास्ट है उन्हीं को नहीं नौकर बना के रखा था, बल्कि अमेरिका के जो ब्लैक लोग थे, अमेरिका में जो थोड़े डार्क टोन लोग थे उनको भी इन लोगों ने मतलब इसमें इन लोगों को भी वो कर दिया था, ठीक है। तो जैसे इसे एग्जांपल है तो फूले ने अपना कास्ट सिस्टम में अपना क्रिटिसिज्म एक्सटेंड करते रहे। उन्होंने आर्ग्यू करा अनइक्वालिटी के हर एक फॉर्म के खिलाफ उन्होंने आर्ग्यू करा। वो कंसर्न थे कि अपर कास्ट की जो वुमेन है उनकी जो हालत है वो भी सही नहीं है, उसके खिलाफ भी मैं लड़ाई करूँगा, ठीक है। ये जो मूवमेंट था कास्ट रिफॉर्म का ये कंटिन्यू हो रहा था 20th century तक। उस टाइम पे ग्रेट दलित लीडर आ गए थे जैसे कि भीमराव अंबेडकर वेस्ट में और ईवी रामास्वामी नाईकर साउथ में, ठीक है। अब टेंपल्स में कौन लोग जा सकते थे, तो जो अंबेडकर थे भीमराव अंबेडकर वो महार फैमिली को ही बिलोंग करते थे। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे जो भी लो कास्ट के लोग थे उनको बोला कि ठीक है तुम लोग जाओ टेंपल में और तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, बिकॉज नारी वोट हो रहा था। सो वो लोग गए मंदिर में और उन्होंने उस टैप से पानी पी लिया जिस टैप से हर सारे लोग पानी पिया करते थे, और इस चीज़ का जो ब्राह्मण्स थे जो पंडित थे उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था, ठीक है। सो जैसे उन्होंने अपनी स्टडीज़ ख़त्म करी थी भीमराव अम्बेडकर ने, तो उन्हें US से एक हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप आ गई थी, और जिससे उन्हें पता चला कि कैसे ये लोग डार्क टाउन अमेरिकन पे भी राज कर रहे हैं, ठीक है। 1927 में अंबेडकर ने एक टेंपल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट करा जिसमें महार कास्ट की जो फॉलोअर्स थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और ब्राह्मण्स ने बोला और दलित ने बोला कि हम मंदिर में आएंगे और टेंपल टैक्स से पानी पियेंगे। बट जो ब्राह्मण थे उनको ऑफकोर्स ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, बिकॉज उन्होंने शुरू से ही ऐसी जो है लिमिटेशंस और मेंटालिटी सेट करके रखी थी। उनका एम ये था कि वो हर एक आदमी के पास पावर हो ताकि वो मतलब सोसाइटी के अमंग लड़ाई कर सके गलत चीज़ों के लिए। फिर आते हैं द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। अर्ली 20th century में जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था वो शुरू हो गया, ठीक है। ये इनिशिएटिव नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोगों ने लिया और उन्होंने बोला कि एजुकेशन वेल्थ और इन्फ्लुएंस जैसी चीज़ें हैं जो कि हर एक कास्ट को मिलनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने आर्ग्यू करा कि जो ब्राह्मण है वो आर्यन के हाय से यानी कि आर्यन उनके पूर्वज हुआ करते थे और वो उनके
बच्चे परपोते वगैरह है, ठीक है, तो उनके वंशज है बेसिकली। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सा 2009 पे भी इसके बीच में लड़ाई हुई, और जो ओरिजिनल इनहेबिटेड था रीजन का उधर भी लड़ाई हुई। तो जो इंडिजिनस रेवोल्यूशन थी उनकी वजह से ऐसी रेस होने लग गई, और उन्होंने ब्राह्मणिकल क्लेम्स को भी, कि उन्होंने बोला कि ये जो ब्राह्मण्स के पास जो पावर है ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं होनी चाहिए। ई वी रामास्वामी नायकर या परियार, उन्होंने वो भी आए और उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत ही इंस्ट्रक्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों से वैसे उन्होंने काम करा, ठीक है। ऐसे देखा जाता है कि उनकी जो अर्ली लाइफ है उसमें उन्होंने संस्कृत के स्क्रिप्चर्स पढ़े थे बहुत ही केयरफुली, और बाद में वो कांग्रेस के मेंबर बन गए थे, ठीक है। बस एक चीज़ है कि वो मतलब डेड फाउंड एट द बीस्ट, कि नेशनलिस्ट जो थे वो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बैठते थे, मतलब फॉलोड बाय द कास्ट डिस्टिंक्शन, जैसे कि लोअर पीपल जो है वो एक डिस्टेंस पे बैठेंगे और जो गरीब लोग हैं, जो अपर लोग हैं वो भी एक डिस्टेंस पे बैठेंगे। तो उनके बीच का जो है गैप बना दिया गया था, बिकॉज लोग ये चाह रहे थे कि जो अनरिचेबल्स हैं उनकी वजह से जो बड़े बड़े कास्ट के लोग हैं उनका भी कास्ट ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। सो उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो अनटचेबल्स हैं वो मतलब उनका जो ओरिजिनल अपहोल्डर्स है डैट इज़ इन तमिल एंड तमिल कल्चर विच हैड बीन सब्जेक्टेड बाय द ब्राह्मण्स। सो उनको ऐसा लगा कि हर एक रिलीजन अथॉरिटी जो है उसके पास एक सोशल डिवीजन होना चाहिए, और जो गॉड गिवन उसके पास गिफ्ट है उनको उन्होंने इक्वली इक्वली उसको डिवाइड करना चाहिए। जो इनइक्वालिटी है दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। जो अनटचेबल्स थे उनको फ्री कर दिया गया, और उनको बोला कि तुम किसी भी रिलीजन और किसी भी सोसाइटी को अचीव कर सकते हो। जो परियार थे वो काफ़ी एक आउटस्पोकन क्रिटिक बने हिंदू स्कल्पचर्स के, और सबसे ज़्यादा चीज़ जो उनको नहीं पसंद थी डैट वॉज द कोड ऑफ मनु। तो अनटचेबल्स जो थे अब वो फ्री हो चुके थे, तो वो हर एक रिलीजन को यूज़ कर सकते थे, चाहे उनकी सोशल इक्वालिटी, ताकि मतलब उनकी सोशल इक्वालिटी बढ़ जाए, ठीक है। जो परियार थे उन्होंने बोला कि भगवद गीता हो या रामायण हो इनमें से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, ये सभी मतलब गलत है, और इनमें जो चीज़ें लिखी गई है वो सही नहीं है, ठीक है। ये जो असोशन थे ये अनचैलेंज नहीं गए, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग इनके खिलाफ है और उनको तरह तरह की बातें सुनाई। उसके बाद जो अपर कास्ट के नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो भी एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करते थे, जो कि सनातन धर्म सभास ने खोला था, और भारत धर्मा महामंडल भी उनके साथ था नॉर्थ में, और ब्राह्म समाज जैसे जो एसोसिएशन है वो बंगाल में खोले गए। और ये जो ऑब्जेक्ट थे उनकी मतलब कास्ट डिस्टिंक्शन को अपहोल्ड करने में हेल्प करते थे, ठीक है, एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदुइज्म। स्क्रिप्चर को सेक्रीफाइस किया गया, और डिबेट्स जो थी, स्ट्रगल्स जो थी वो भी कास्ट में, मतलब कास्ट बेसिस पे तो कंटिन्यू ही रहती थी ये सारी चीज़ें। सो यस, दैट इज इट फॉर द चैप्टर इन द वीडियो। सो यहाँ पे कुछ हमारे पास लीडर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। जो ब्राह्मो समाज था, ब्राह्मो समाज खोला गया था 1830 में, जिनका भी मेन मोटिव यही था कि वो वुमेंस के लिए काम कर सके। उसके बाद आता देरा जी और यंग बंगाल, ये भी उनके जो पीपल्स थे, इनके जो टीचर्स, इनके जो चिल्ड्रंस थे उसको उन्होंने सपोर्ट में जाके बोला कि वुमेंस के लिए कैंपेन खुलने चाहिए, वुमेंस को फ्रीडम मिलनी चाहिए, और उनके उनको मतलब थॉट और एक्सप्रेशन वो लोग रख सकते हैं। जो रामकृष्ण मिशन था और स्वामी विवेकानंदा, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर स्वामी विवेकानंदा के जो गुरु थे वहाँ पर एक मिशन स्टार्ट किया गया था, ताकि जो सॉल्यूशन है और जो सोशल सर्विसेज है उन सारी चीज़ों पे डिस्कस कर सके। फिर आता प्रार्थना समाज, जो कि 1867 में खुला था बॉम्बे में, और प्रार्थना समाज का मेन मोटिव ये था कि वो मतलब जो ये कास्ट के घूमते हैं इसको हटाए। उसके बाद आता है वेदा समाज, जो कि मद्रास चेन्नई में एस्टेब्लिश किया गया था 1864 में। तो वेदा समाज जो था वो काफ़ी इंस्पिरेशनल था ब्राह्मण समाज के लिए, बिकॉज इसमें कोई भी अबॉलिशन, कोई भी कास्ट रिस्ट्रिक्शन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। सो यस, दैट इज थ्रू द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।